मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पान वाले से खुद को पुलिस वाला बताकर 500 रुपए का हफ्ता मांगा और असली पुलिस वाले ने इस पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया है। मामला उल्लास नगर शहर का है। शांति नगर परिसर में एक पान की दुकान पर दिलीप शांताराम पाटिल नाम का एक व्यक्ति पहुंचा और पान वाले को धमकाने लगा। खुद को पुलिस वाला बताया और कहा कि तुम गुटखा बेचते हो और 500 रुपया हफ्ता दो। पान वाले ने पैसा देने से मना किया और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और धमकाने वाले दिलीप शांताराम पाटिल को पकड़ लिया। मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई मधुकर कर्ण ने बताया है कि जब इसका वेरीफाई किया गया तो ये जो खुद को पुलिस वाला बता रहा था दिलीप शांताराम पाटिल, ये बोगस पुलिस वाला निकला और इसने एक ऑटो रिक्शा वाले को भी पहले शहर में घुमाया, उसको भी पुलिस वाला खुद को बताकर उसे भी धमकाया है, मगर ऑटो रिक्शा वाले ने शिकायत नहीं की है। इस बोगस पुलिस वाले के खिलाफ 420, 170, 384 के तहत FIR दर्ज किया गया है। और इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए PI मधुकर कर्ण ने क्या बताया है आपको सुनाते हैं। इनका शांति नगर में अभिषेक पान सेंटर शॉप है, वहाँ कल 7:30 बजे शाम को एक आदमी आया और उसने राकेश झा को बोला कि मैं DB का पुलिस वाला हूँ और तू गुटखा और 2 नंबर का धंधा करता है तो मुझे तू 500 रुपये दे दे। ऐसा करके उसने उसको धमकाया। फिर पहले उसका विश्वास बस बैठ गया था, लेकिन बाद में वो थोड़ा डाउट आया, उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ गई तो ये आदमी दिलीप शांताराम पाटिल करके रहना जलगांव का है, वो उसको पकड़ा गया। वो खुद को पुलिस वाला कह के उसने कट मारा है और शूज़ भी वैसे ही पहना हुआ था। फिर उसको आके यहाँ वेरीफाई किया गया तो बोगस पुलिस वाला करके वो घूम रहा था। उसके पहले उसने 1.5 घंटा एक ऑटो वाले को भी घुमाया था, उसको भी बोला था कि मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन वो ऑटो वाला ने कंप्लेंट नहीं दिया। उसके खिलाफ में हमने 420, 170 और 384 भादवे के मुताबिक गुना दाखिल किया है, उसको अरेस्ट किया हुआ है, आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे।